एक अल्लाह वाला था, कहीं सफर को जा रहा था। कड़कती धूप थी, तत्ती रेत थी, उसे प्यास ने सताया। जब खुश्क हलक पानी मांगने लगी तो उसने एक बस्ती की तरफ रुख किया। देखा एक कुआं है, साथ में एक बर्तन पड़ा है। उस अल्लाह वाले ने वो बर्तन उठाया, कुएं के अंदर बर्तन डाला, पानी निकाला। जब पानी पिया तो पानी कड़वा था, इतना शदीद कड़वा था कि अल्लाह वाले ने थूक दिया। साथ से गुजरने वाले एक शख्स से पूछा, भाई क्या इस कुएं का पानी कड़वा है? कहा, नहीं बाबा, हम तो सारे गांव वाले इसी कुएं का पानी पीते हैं, पानी तो मीठा है, आपको कड़वा क्यों लग रहा है? हैरान कुन बात ये थी कि जब उस मट्टी से बनाए गए बर्तन से पानी निकालते तो पानी कड़वा निकलता, और जब किसी दूसरे बर्तन से पानी निकालते तो पानी मीठा निकलता। काफी सोचो विचार के बाद नतीजा ये निकला कि कुएं का पानी तो मीठा है, लेकिन ये जो बर्तन है उस कब्र से ली गई मट्टी से बनाया गया है, जिस कब्र में बेनमाजी दफन है। ये जो बर्तन है, जिस बर्तन के अंदर पानी डालते हैं पानी कड़वा निकलता है, उस कब्र से ली गई मट्टी से बनाया गया है, जिस कब्र में बेनमाजी दफन है। ओ नादानो, बेनमाजी की कब्र से बनाए गए बर्तन में इतनी कड़वाहट है, अंदर बेनमाजी का क्या हाल होगा? अंदर बेनमाजी किस हालत में होगा? साहिब, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए।